अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते के पकोड़े। देखिए अरबी के पत्ते ऐसे डंडल वाले, इसका कलर थोड़ा डार्क रहेगा, इसमें का ही बनाना है। दूसरा हरा कलर का रहता है वो अच्छा नहीं रहता, इस कलर का अच्छा रहता है। चलिए अरबी के पकोड़े बनाना अपन शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते बनाने के लिए हमको चाहिए अरबी के पत्ते, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हल्दी, दो कटोरी बेसन और नमक। मैंने ये इस अरबी के पत्ते को धो के रख लिया है। अब इसका घोल बनाऊंगी, फिर इस पर लेप करूंगी। चलिए इसको घोल बनाते हैं। मैंने दो कटोरी बेसन डाल दिया है इसमें। अब लाल मिर्च डालूंगी एक चम्मच, दो चम्मच ये चावल का आटा, हल्दी एक चम्मच, नमक एक चम्मच और अजवाइन एक चम्मच। पानी घोल बनाने के हिसाब से थोड़ा गाढ़ा ही घोल बनाना है। देखिए दोस्तों हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक एक पत्ते में लेप करूंगी इसका। आइए चलते हैं, देखते हैं इसे लगाते हैं। पहले एक बड़ा पत्ता ले लिया मैंने, अब इसको पूरा लेप कर दूंगी पूरा। अभी जो अपन ने मसाला तैयार किया है उससे देखिए ऐसे लगाना है इसको। इसको पूरी जगह ऐसे फैला देना है लगा के, और पूरे पत्ते में देखिए मैंने सब पूरी जगह से इसको पेस्ट कर दिया है। अब एक और पत्ते को लेके भी इसके ऊपर रख कर, इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए पत्ता, इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर फिर से अपन जैसे पहले पत्ते में किया था वैसे ही इसमें भी लगाना है। इसी तरह पूरे पत्तों को, मेरे पास 8 पत्ते हैं, उन सबको मैं ऐसे लगा दूँगी। लगा के फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों मैंने सारे पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के सबको लेप कर लिया है। अब मैं इसको लपेटूंगी। देखिए दोस्तों इसको ऐसे नीचे से लपेटना शुरू करेंगे, ऐसे पूरा लपेट लेंगे इसको। देखिए मैंने इसको पूरा लपेट लिया है, एक के ऊपर एक रखा था मैंने, उसको लपेट लिया। अब दोनों साइड से, दोनों कोनों से मैं इसको धागे से बांध के फ्रीजर में 10 मिनट रखूँगी। देखिए मैंने दोनों साइड धागे से बांध दिया है इसका। अब मैं इसको फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए रखूँगी। दोस्तों इसको है ना पहले ना पकाना है भाप में, उसके बाद फ्रिज में रखना है इसको ठंडा होने के बाद। थोड़ा मैंने दोनों साइड से इसको बांध दिया है। देखिए दोस्तों इडली का भगोना है, इसमें मैंने पानी डाल के रखा है। इसका जो सांचा है उसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया है। देखिए अब मैंने इसको रख दिया अरबी के पत्ते को इसमें, और मैं इसमें रखूँगी। देखिए अब इसको ढक के मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। देखिए मैंने इसको ढक के रख दिया, अभी 10 मिनट तक पकाना है इसको। देखिए दोस्तों ये भाप में अच्छी पक गई है। अब इसमें प्लेट में डाल के अब मैं फ्रीजर में 10 मिनट रखूंगी। देखिए फ्रीजर में मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखी रख रही हूँ। देखिए फ्रीजर में से मैंने अभी निकाला है इसको, देखो कैसा हो गया है ये। अब इसको अब क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में काटेंगे इसको। मैं ऐसे काटूंगी, देखिए कट के ऐसा बनेगा ये। पूरे पीस को मैं काट लूँगी। देखिए मैंने छोटे छोटे पीसों में इसको काट लिया है। अब मैं इसको कढ़ाई में तेल रख के तलूँगी। देखिए तेज़ आंच में मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रखा है उसको तलने के लिए। देखिए तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें एक एक करके भजी के लिए डालूँगी। ये दोस्तों ये अरबी के पत्ते के पकौड़े तैयार हो गए हैं भजिए। ये शाम के टाइम आप
स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं ये। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।